A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem. Today we are going to talk about some topics of Eurochordata and fishes. Eurochordata ka ek kai naam hai. Inko tunicates bhi kehte hain, sea squids bhi kehte hain. Euro means tail and chorda means notochord. Aise chordata aisa phylum jisme notochord टेल रीजन में बाकी रहे और बाकी रीजन्स में से ख़त्म हो जाए उनको कहते हैं यूरोकॉर्डेटा। इनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं क्योंकि अगर इनके डायग्राम देखें, इफ़ यू लुक एट द डायग्राम ऑफ ट्यूनिकेट्स, ये इस तरह के नज़र आते हैं। यूँ लगता है जैसे इन्होंने कोई ट्यूनिक सा पहना हुआ है। कुर्ता जो हमारे ड्रेस का हिस्सा है ना, इसको इंग्लिश में ट्यूनिक कहते हैं। लूज आउटर गारमेंट कॉल्ड ट्यूनिक, ठीक है। तो यूँ लगता है जैसे इन्होंने कोई ट्रांसपेरेंट सा ट्यूनिक पहना हुआ है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स। और जब इनको टच किया जाए तो इनके ये जो ओपनिंग्स हैं साइफन, इनमें से पानी छल के बाहर आता है, ठीक है। दो ओपनिंग्स होती हैं, एक इन करंट और एक एक्स करंट। इन करंट से पानी अंदर आता है, एक्स करंट से बाहर जाता है। तो इनकी बॉडी ऐसी होती है कि जब अगर इसको टच करें तो ये पानी ऐसे पिटकारी की शक्ल में बाहर आता है, इसलिए इसको सी स्क्विड्स भी कहते हैं। डाइवर्स ने जब पहली दफ़ा इसको देखा और टच किया तो नहीं लगा जैसे इसमें से, या जब ऐसी जगह पे होती है कि ये टाइड से पीछे जाती हैं तो ये साहिल समुंदर पे नजर आए तो इनको टच करें, इनमें से पानी बहुत सारा बाहर आता है। इसके कुछ ग्रुप्स हैं, मेन जो ग्रुप है वो एसीडियन। एसीडियन जो है वो लार्जेस्ट क्लास है ट्यूनिकेट की। सेसाइल है, सेसाइल ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है जी। जो इनका लार्वा होता है वो मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्विम करते हैं। और जब जब ये एडल्ट फॉर्म में आने लगते हैं, मेटामॉर्फोसिस होते हैं, तो ये लार्वा जो है ये अटैच हो जाते हैं रॉक्स के साथ या और किसी चीज़ के साथ। और जो एडल्ट हैं वो जितने भी हैं वो सारे सेसाइल होते हैं, यानी सेसाइल इज द ऑपोजिट ऑफ मोटाइल। मोटाइल वो हैं जो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सेसाइल वो हैं जो कि अटैच रहते हैं। सॉलिटरी यानी अकेले भी हो सकते हैं, कॉलोनियल यानी कॉलोनी भी बना के रह सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और जो ग्रुप्स हैं, अपेंडिकुलरियंस और थैलेसियंस, आप ये याद रख लें कि एसिडियंस के अलावा ट्यूनिकेट्स हैं वो पेंटोनिक होते हैं। पेंटोनिक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि फ्लोट करते हैं, अपनी मर्जी से स्विम ना कर सके। जैसे अगर पानी के ऊपर लकड़ी पड़ी हुई है तो लहर जहाँ आएगी वहाँ उसको ले जाएगी, ऐसी मूवमेंट को कहते हैं पेंटोनिक। ये जुड़े हुए नहीं रहते, अटैच नहीं रहते बाकी एसिडियंस के अलावा यूरोकॉर्डेट, ठीक है जी। और कुछ लोकेलिटीज में ट्यूनिकेट्स हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में भी मौजूद हो सकते हैं। सेसाइल यूरोकॉर्डेट्स जो हैं वो अपनी सैक लाइक बॉडी को अटैच करके रखते हैं, ऐसी इसकी बॉडी होती है सैक की तरह की, और ये अटैच रहते हैं रॉक्स के साथ, पाइलिंग से नहीं नीचे जो जितने भी समुंदर की तह में मौजूद हैं, शिप के नीचे वाले हिस्सों के साथ या कोई भी सॉलिड सब्सट्रेट इनको मिल जाए। और जो अनअटैच पार्ट होता है उसमें दो साइफन होते हैं, ठीक है जी। टू साइफन आर प्रेजेंट जिससे कि सी वाटर सर्कुलेट करते हैं इसकी बॉडी के अंदर। साइफन को कहते हैं ओरल साइफन, ओरल साइफन इज आल्सो कॉल्ड द इनकरंट साइफन। इससे पानी ये अंदर की तरफ जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और अमूमन डायरेक्टली ऑपोजिट होता है। जो इसका अटैच्ड एंड होता है, ये इसका अटैच्ड एंड है, ये इसका फ्री एंड है, ऑपोजिट टू द अटैच्ड एंड होता है ओरल साइफन या इनकरंट साइफन। दूसरा जो साइफन होता है, अच्छा ये माउथ के तौर भी एक्ट करता है, यहीं से फूड इसकी इसके अंदर आती है। सेकेंड साइफन जो है वो कहलाता है एस्ट्रल साइफन या एक्सकरेंट साइफन, और इससे पानी बाहर निकलता है। और इसकी बॉडी के अंदर ये देखिए, ये बाहर वाला जो हिस्सा है आउटर कवरिंग है जो कि ट्यूनिक कहलाती है, और अंदर ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम शो हुआ हुआ है, ये इसका फेरिंग्स है जिसमें के छोटे छोटे सुराख हैं, एंडोस्टाइल का रीजन है, और फिर उसके बाद स्टमक और फिर इंटेस्टाइन, और यहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। और यही दो सिस्टम इसमें मेन है, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम खास इसमें डेवलप नहीं होते। अच्छा, बॉडी वॉल जो इसकी है ये एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है जिसको ट्यूनिक कहते हैं, और ये जेल लाइक नजर आती है लेकिन टफ होती है। एपिडर्मिस इसको सिक्रीट करता है, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं और सेलुलोज भी होते हैं।
जैसे वो मॉलिक्यूल है जो कि हम कहते हैं एक्सक्लूसिव टू द प्लांट्स है, लेकिन इसमें भी मौजूद है ट्यूनिकेट्स में। मीजोडर्म के भी कुछ टिश्यूज यानी ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स होते हैं बाज़ औक़ात जो कि ट्यूनिक में इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं। ब्लड वेसल्स होते हैं हाँ जी, सर्कुलेटरी सिस्टम किसी हद तक इसमें होते हैं, लेकिन बाकी सिस्टम बहुत प्रिमिटिव होते हैं। रूट लाइक एक्सटेंशंस इसकी मौजूद होती हैं ट्यूनिक की, जो कि कहलाती हैं स्टोलन्स। एंड ये जो ट्यूनिक का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे इसकी रूट लाइक स्टोलन्स होती हैं जो कि इसको सब्सट्रेट के साथ अटैच करते रहते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखेंगे गोनेट्स के साथ नीचे वाले पोर्शन में इसके हार्ट मौजूद है। लेट्स टॉक अबाउट बायोन्सी, लेट्स टॉक अबाउट बायोन्सी रेगुलेशन इन फिशेज। फ्लोटिंग कैपेबिलिटी को कहते हैं बायोन्सी। वाटर जो एक सपोर्टिव मीडियम है, लेकिन इतना नहीं है कि इसमें सिंक ना हुआ जाए, इसलिए हालांकि हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई होती है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर से डेंस टिश्यू यानी बोन मौजूद होते हैं, इसलिए हम जो है ना डूबने वाली सिचुएशन में होते हैं। अगर हमारी बोन्स लेस डेंस होती हैं देन वाटर, तो फिर हम फ्लोट करते हैं, हम कभी भी ना डूबते। ठीक है जी, इसलिए जो फ्लोटर्स यूज किए जाते हैं वो वाटर में एयर फिल्ड ट्यूब्स जो हैं वो फ्लोटर के तौर पे यूज की जाती हैं। अच्छा, हम इसलिए फ्लोट कर सकते हैं अगर हम अपनी लंग्स में एयर भर लें और फिर अगर हम पानी में मौजूद हों तो फिर हम आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। फिशेज ने तो हमारे पास तो ऑप्शन है ना कि हम चाहे जमीन पे रहें चाहे पानी में रहें, लेकिन फिशेज के पास तो कोई ऑप्शन नहीं, उन्होंने तो हर वक्त पानी में रहना होता है। तो उन्हें अपने आप को एक वर्टिकल पोजिशन में मेंटेन रखना होता है कॉलम ऑफ वाटर में। इसके चार तरीके हैं जो कि फोर वेज दे हैव अडेप्टेड। फर्स्ट वे इसके उनके अंदर जो लो डेंसिटी कंपाउंड ज्यादा होते हैं, फिशेज के लिवर्स में खास तौर पे ऑयल्स सेचुरेटेड ऑयल्स होते हैं मौजूद, और ये ऑयल जो होते हैं इनकी डेंसिटी लेस देन वाटर होती है। वैसे भी आपने देखा है ऑयल हमेशा वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, इसका क्या मतलब है, ऑयल फ्लोटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, ऑयल इज लेस डेंस देन वाटर। तो लिवर में फिशेज के आपने सुना होगा कॉड लिवर ऑयल यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ विटामिन। मोस्टली फिशेज के लिवर में बहुत ज्यादा ऑयल्स होते हैं जो कि उसकी फ्लोटिंग कैपेबिलिटी को या बायोन्सी को बढ़ाते हैं। बायोन्सी इज द फ्लोटिंग कैपेबिलिटी। सेकेंड वे इज बाय यूजिंग द फिन्स। पेक्टोरल फिन्स जो है शार्क के वो हेल्प करते हैं उसको लिफ्ट प्रोवाइड करने में, और इसी के जरिए वो मूव करते हैं वाटर में। इसके अलावा जो उसका कॉडल फिन का अपर लोब है वो एक अपर थ्रस्ट उसकी बॉडी को प्रोवाइड करता है। अपर थ्रस्ट यानी जो नीचे से पानी का धक्का ऊपर की तरफ लगता है ऑर्गेनिजम्स या चीजें फ्लोट कर सके। ये सारी फिशेज में फिन्स की अरेंजमेंट ऐसी है जो उनको हेल्प करती है, अपर थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, खास तौर पे शार्क। थर्ड एडेप्टेशन ये है कि इनमें हैवी टिश्यू कम होता है, यानी कि जो हमारी बोन्स हैं, अगर आपने कभी मछली खाते हुए गौर किया हो कि जो मछली के कांटे होते हैं वो असल में उसका स्केलेटन होता है, और अगर कभी बीफ या मटन खाते हुए उसकी हड्डियों पे गौर किया हो वो हमारी बोन्स की जैसी होती है। यानी कि मैमल्स के ग्रुप के अंदर बोन्स जो है वो ज्यादा बड़ी और हैवी और डेंस है, लेकिन इसके मुकाबले में फिशेस के ग्रुप के अंदर जो स्केलेटन है वो लेस डेंस है वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में। और खास तौर पर इलास्मोब्रैंकाई किन फिशेस को कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस का वो ग्रुप जिसको शार्क्स बिलोंग करते हैं। एक्चुअली अगर आप नोट करें कि समुंदर के अंदर जो सबसे तेज स्विम करने वाला प्रीडेटर है जो कि सारे अपने प्रे को कैप्चर कर लेता है वो शार्क है, यानी उसकी बॉडी बेस्ट अडेप्टेड है फॉर लाइफ इन वाटर, स्विमिंग इन वाटर। इसलिए हर एक में शार्क की एग्जाम्पल या इलास्मोब्रैंकाई की एग्जाम्पल जरूर दी हुई होगी। इलास्मोब्रैंकाई या जो शार्क्स हैं उनके अंदर कार्टिलेजिनस फिशेज कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, इसलिए वो उनकी बॉडी लेस डेंस होती है, उन्हें कोई ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करनी पड़ती, आसानी से वो अपनी बायोन्सी को मेंटेन रख सकते हैं। फोर्थ अडेप्टेशन जो है वो जो बोनी फिशेज में है, दैट इज स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो है वो एक गैस फिल्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसके जरिए बॉडी के अंदर प्रेजेंस ऑफ एयर को बढ़ाया जा सकता है। लेट्स लुक एट सम ये देखें, ये डिफरेंट तरह के स्विम ब्लैडर्स मौजूद हैं या न्यूमेटिक सैक्स, इनको एयर फिल्ड सैक्स कहते हैं।
तो हमारी बॉडी के अंदर तो इस तरह टेट्रापॉड लंग्स है, इनके जो स्विम ब्लैडर होते हैं या लंग फिशेज में लंग, लाजमी नहीं है कि हमेशा इसका कनेक्शन विद द डाइजेस्टिव सिस्टम हो, बाज़ औक़ात इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। और देखें जैसे इसमें मोस्ट ट्यूलियोस में, यानी ट्यूलियोस बोनी फिशेस, मोस्ट ट्यूलियोस में स्विम ब्लैडर का कोई ताल्लुक नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम से, और इसके अंदर जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है गैसेस। आपको पता है ब्लड के अंदर दो तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन भी होती है कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जब फिशेज ने अपने स्विम ब्लैडर को फिल करना होता है वो अपनी ब्लड की गैसेस में फिल कर लेते हैं, और जब रिमूव करना होता है तो ब्लड के जरिए ही रिमूव कर लेते हैं। अदरवाइज कुछ फिशेज में, लंग फिशेज में या स्टर्जियंस में, स्विम ब्लैडर जो है वो कनेक्टेड होता है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो डायरेक्टली गल्प कर सकती हैं एयर इनटू देयर बॉडी। तो जब उन्होंने सरफेस की तरफ आना हो इन फिशेज ने, तो वो अपने स्विम ब्लैडर में एयर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, चाहे उसको गल्प करें यानी अपने बॉडी के अंदर एयर कर ले सरफेस पे आके, या ब्लड के जरिए उसमें एयर बढ़ा दें, गैसेस बढ़ा दें। बोथ सिचुएशन डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड द फिशेज स्विम एट द सरफेस। और अगर जब उन्होंने डीप वाटर की तरफ जाना हो तो फिर वो बबल आउट कर देती हैं उस एयर को, या अपनी ब्लड से उस गैसेस को रिमूव कर देती हैं फ्रॉम स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर में जब एयर कम हो जाएगी तो उनकी बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो नीचे गहरे पानियों की तरफ स्विम कर सकेंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेज। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ऑस्मोरेगुलेशन का क्या मतलब है? रेगुलेटिंग द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। फिशेज ने अपने एक प्रॉपर बैलेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस और वाटर के अपने टिश्यूज में मेंटेन रखना होता है, और इस सारे प्रोसेस में किडनीज और गिल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। किडनीज एक्सक्रीशन भी कर रही है, ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रही है। गिल्स जो है वो मेनली ऑस्मोर, ये भी दोनों ही काम कर रही है इसके अंदर। किडनीज जो है वो मिड लाइन ऑफ द बॉडी में मौजूद होती हैं और बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, वर्टिब्रेट्स की तरह जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबकी किडनी के अंदर जो यूनिट ऑफ किडनी होता है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो क्या करती है, वो फिल्टर करते हैं ब्लड को और उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा आयंस को रिमूव करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं, और स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं ये जी विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। सबसे पहले इन सब चीज़ों को फिल्टर करते हैं। नेफ्रॉन का बेसिक फंक्शन क्या है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है, फैसी में भी पढ़ा है कि सबसे पहले वो ब्लड को फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन के जरिए वाटर, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड सबके सब एक ट्यूब्यूल में आ जाते हैं। ट्यूब्यूल सिस्टम में से जब गुजरते हैं जो जरूरी चीजें होती हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, और जो जरूरी चीजें नहीं होती हैं वो सारी एक्सिट आउट कर दी जाती हैं। तो फिशेज के अंदर दो तरह के प्रॉब्लम हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विद फिशेज आर, या तो वो फ्रेश वाटर में रह रही हैं या वो सी वाटर में रह रही हैं। अब फ्रेश वाटर फिशेज का अपने प्रॉब्लम्स हैं एज दे लिव इन फ्रेश वाटर, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दैट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। फ्रेश वाटर में फिश, लेट सपोज ये फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश है, फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश जो है उसके इर्द गिर्द पानी बहुत ज्यादा होता है, नमक बहुत कम होता है, और उसके मुकाबले में बॉडी के अंदर नमक ज्यादा होता है और पानी कम होता है। तो कंटिन्यूसली इसकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो रहा होता है, वाटर इज कंटिन्यूअसली एंटरिंग इन टू द बॉडी, ठीक है जी, एंड सॉल्ट्स आर कंटिन्यूअसली रिमूविंग। ये जो स्मॉल एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि स्किन से कंटिन्यूअसली इसकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो रहा है। ब्लू एरोज आर फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर, रेड एरोज आर फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो पैसिवली डिफ्यूजन के जरिए पानी मुसलसल इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और सॉल्ट्स कंटिन्यूअसली इसकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। फ्रेश वाटर फिशेज आर लिविंग इन हाइपोटोनिक सिचुएशन। हाइपोटोनिक सिचुएशन में उनकी बॉडी में से कंटिन्यूसली वाटर रिमूव हो रहा है और सॉल्ट, सॉरी वाटर एंटर हो रहा है और सॉल्ट रिमूव हो रहे हैं, ठीक है जी। और इसके गिल्स में क्या अडेप्टेशन है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस की, और वाटर तो बहुत ज्यादा, गिल क्या है एक लार्ज सरफेस एरिया, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स है एक लार्ज सरफेस एरिया,
इसी तरह फिशेस की बॉडी के अंदर गिल्स एक लार्ज सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंट। तो गिल्स जो हैं वो उनके अंदर बहुत सारा पानी जा भी रहा है, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक्टिव पंप्स लगे होते हैं सॉल्ट्स के, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्रिंक लिटिल वाटर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द यूरिन सच अ वे कि लार्ज क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और सॉल्ट्स को कम से कम रिमूव करते हैं। अपनी बुक की डायग्राम में से एक बार इसी बात को समझें। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज शोइंग फ्रेश वाटर फिश, बोनी फिश, दिस इज शोइंग मेरीन फिश। ठीक है, ब्लूस्ट बोनी फिश का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो जो टीलियोस्ट फ्रेश वाटर में रहते हैं बोनी फिशेस, उनकी बॉडी को दो इश्यूज हैं कि कंटिन्यूअसली वाटर उनकी बॉडी में घुस रहा है और सॉल्ट्स उनकी बॉडी से निकल रहे हैं। तो वो पहली अडेप्टेशन तो इसमें ये है कि ये पानी नहीं पीते, ये पानी पीने उनकी बॉडी में बहुत घुस रहा है, सिर्फ अपने माउथ से वो फूड को अंदर जाने देती है, वाटर को नहीं अंदर जाने देती वाटर। लेकिन अच्छा, अब ये आपकी बुक में जो डायग्राम है इसमें जो सॉलिड ब्लैक एरोज हैं ये अडेप्टेशन को शो कर रही है, और जो एरोज ये वाइट से हैं अंदर से, ये पैसिव मूवमेंट को शो कर रहे हैं। तो वाटर इसमें पैसिव मूवमेंट के जरिए एंटर हो रहा है विदाउट यूजिंग एनर्जी, और सॉल्ट्स भी डिफ्यूजन के जरिए कंटिन्यूसली गैस में निकल रहे हैं, और सॉल्ट्स की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो सॉलिड एरो ये इसी अडेप्टेशन है कि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है। अच्छा, किडनी के अंदर अगर इसके नेफ्रॉन्स को देखा जाए तो लार्ज ग्लोमेरुलस होती है और शॉर्ट ट्यूब्यूल होती है। ग्लोमेरुलस जितना बड़ा होगा उतनी फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, ट्यूब्यूल जितनी छोटी होगी उतनी रीअब्सॉर्प्शन कम होगी, क्योंकि इनकी बॉडी में पानी घुस रहा है मुसलसल ज्यादा, तो ये बड़े ग्लोमेरुलस के जरिए ज्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड की, ज्यादा ब्लड फिल्टर होकर ट्यूब्यूल में आ जाता है। अब ट्यूब्यूल अगर लंबी होगी तो रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी वाटर की, ट्यूब्यूल छोटी होगी तो रीअब्सॉर्प्शन कम होगी। ठीक है जी, और साथ ही इसकी किडनी में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ज्यादा होती है। देखिए, सॉल्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बॉडी से बाहर निकल रहे हैं और जो सॉरी बॉडी के अंदर कीपिंग द सॉल्ट्स विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द किडनी, वाइल द किडनी इज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन, हाइपोऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करता है इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन विच इज वेरी डाइल्यूट एंड इट हैज वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। तो यूरिन का यानी किडनी का क्या मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिमूव करे और सॉल्ट को कम से कम रिमूव। सारी चेंजेस की वजह से कहते हैं कि ऑल्दो इसके इर्द गिर्द वाटर ज्यादा है और सॉल्ट कम है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर एज कंपेयर टू द एनवायरमेंट सॉल्ट ज्यादा हैं और वाटर कम है। अगर जितना बाहर पानी है, बाहर 100% वाटर है फ्रेश वाटर फिश के लिए, अंदर भी अगर सेल के 100% वाटर होगा तो वो तो अलाइव नहीं होगा ना। साइटोप्लाज्म में कोई ना कोई तो सॉल्ट और आयंस की कंसंट्रेशन होनी है, या अमाइनो एसिड्स की, ग्लूकोज की वगैरह, इसलिए ये कभी भी नहीं हो सकता कि लिविंग टिश्यू की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन 0% हो जाए, यानी 100% वाटर हो जाए और आयंस और डिसॉल्व सब्सटेंसेस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है जी, यही बात। अच्छा, अब नाउ कंपेयर इट विद द सी मरीन टीलियोस, वो बोनी फिशेस जो कि समुंदर में रहते हैं। फ्रेश वाटर टीलियोस यानी वो बोनी फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है कि एनवायरनमेंट के मुकाबले में इनका ब्लड हाइपरटॉनिक है। सी वाटर यानी मरीन टीलियोस का क्या इशू है कि वाटर के मुकाबले में इनका ब्लड जो है हाइपरटॉनिक है। जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है मरीन में वो 3.5% आयंस होती है, और जो सेल्स के अंदर है, टिश्यूज के अंदर है, वो 0.65%। इसमें क्या होता है, बाहर आयंस 0% होती हैं और अंदर सेल के आयंस 0.65% या 6% के इक्वल होते हैं। तो इनका क्या प्रॉब्लम है, इनकी बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन कम है सॉल्ट्स की ज्यादा है, ब्लड के मुकाबले में जो बाहर का सोल्यूशन है वो हाइपरटॉनिक है, ब्लड जो है वो हाइपोटॉनिक है। इनके लिए ब्लड हाइपरटॉनिक था और सराउंडिंग सिचुएशन जो थी वो हाइपोटॉनिक थी। ये जो हाइपरटॉनिक और हाइपर ऑस्मोटिक सी वाटर में रह रहे हैं, कंटिन्यूसली सॉल्ट इनकी बॉडी के अंदर घुसना चाह रहा है डिफ्यूजन के जरिए पूरी बॉडी की स्किन से,
इनके मुंह के जरिए बीसी एंटर हो रहा है, इसके अलावा रजिस्टर में भी सॉल्ट एंटर हो रहे हैं वगैरह। अब ये जितने भी इसके अंदर क्या अडेप्टन है, एक तो ये इट ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, जैसा भी वो नमकीन पानी है, अगर कभी आपने समुन्द्र का पानी आपने आपके मुंह में थोड़ा सा गया हो, चखा हो आपने कि वो बहुत ही कड़वा नमकीन होता है, फिर भी वो कड़वा पानी पी रही होती है वो फिशेस, क्योंकि उसमें वाटर तो है ना और फूड भी साथ ले रही है। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट एंटर हो रहे हैं, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि इनकी गिल्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड्स हैं जो कि उस सॉल्ट को बाहर निकालते रहते हैं, सोडियम को, क्लोराइड को और पोटेशियम आइंस को अपने गिल्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। वाटर बहुत सारा लॉस हो जाता है इनके गिल्स से, क्योंकि ब्लड के अंदर पानी ज्यादा है और सराउंडिंग वाटर में कम है, लेकिन इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सॉल्ट्स भी साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन किडनीज की क्या कैपेबिलिटी है, इनकी किडनीज में ग्लोमेरुला या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, ब्लड की फिल्ट्रेशन कम होती है, और जो इसलिए इसके नेफ्रॉन को कहते हैं ए ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन, जिसमें ग्लोमेरुलर हो ही ना या बहुत छोटा हो, और जो ट्यूब्यूल है वो जरा लंबी होती है। लंबी ट्यूब्यूल मैंने आपको बताया इट इज यूजफुल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और ये खास तौर पे सिक्रीशन के जरिए मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी, और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसका स्मॉल वॉल्यूम होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, आइसोऑस्मोटिक होता है, यानी उसकी वही कंसनट्रेशन होती है जो कि ब्लड की है, और इसमें बहुत सारे मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन रिमूव होते हैं। सी वाटर में ये सारे आयन्स मौजूद होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, तीन आयन ये रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और चार आयन्स रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स नेफ्रॉन। अब इस डायग्राम में देखें वो फिश है जो कि सी वाटर में रह रही है, कंटिन्यूसली इसकी बॉडी से वाटर बाहर निकल रहा है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्किन और सॉल्ट्स इसकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, डायरेक्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर और एक्सक्रीशन जो है ये आयंस की विद द हेल्प ऑफ गिल्स करते हैं, रिमूवल ऑफ आयंस विद द गिल्स, और बहुत सारा वाटर भी लॉस हो जाता है, लेकिन किडनीज का ये काम है कि वो बहुत सारे आयंस को रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटेड यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन, और वाटर बहुत कम लॉस होता है। इस डायग्राम में देखें ये जो फ्रेश वाटर बोनी फिश है, एक ही चीज को हम कई डायग्राम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या प्रॉब्लम है, डिफ्यूजन थ्रू स्किन क्या हो रही है कि कंटिन्यूअसली आयंस बाहर निकल रहे हैं और वाटर अंदर आ रहा है, एक्टिव अपटेक किसका हो रहा है, सॉल्ट्स का, द गिल्स, गिल्स के जरिए भी यही काम हो रहा है, डिफ्यूजन इसी तरह की हो रही है, गिल्स से वाटर एंटर भी हो रहा है और आयंस लॉस भी हो रहा है, लेकिन साथ ही वहां पे एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस भी है, और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो डाइल्यूट होता है और उसमें वाटर ज्यादा होता है और सॉल्ट्स कम से कम होते हैं, फूड अंदर बॉडी के जाता है वाटर नहीं जाता। मेनिन टीलियोस की बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूसली इनकी बॉडी में पूरी स्किन से सॉल्ट्स अंदर आ रहे हैं वाटर बाहर जा रहे हैं, ये काम गिल्स से हो रहा है, सॉल्ट्स अंदर आ रहे हैं वाटर बाहर जा रहे हैं, सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट इनकी गिल्स में होती है, सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं इन द गिल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स और आयंस, दे टेक फूड एज वेल एज दे ड्रिंक सी वाटर, इसमें काफी सारा वाटर इनकी बॉडी में आ जाता है, एंड दे प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन व्हिच इज कंटेनिंग लेस वाटर एंड मोर सॉल्ट। ठीक है जी, तो ये जो डायग्राम के नीचे पूरा कैप्शन दिया होता है, ये सारी बातें इधर एक्सप्लेन हुई हैं जो अभी मैंने आपको समझाई हैं, डायग्राम के नीचे जो कैप्शन होता है ये इतना लंबा जो कैप्शन होता है ये समझे एक पैराग्राफ होता है, हर डायग्राम के नीचे अगर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने ये दोनों डायग्राम्स भी बनानी है और उसके साथ ये आपने ये वाली जो बात है ये भी एक पैराग्राफ में लिखनी है। ठीक है जी, क्योंकि जितनी भी डायग्राम्स है इस बुक की उसके जो बड़े बड़े कैप्शन है एक्चुअली वो एक पैराग्राफ होता है जो टेक्स्ट से रिलेटेड होता है और आपने लिखना होता है, हर डायग्राम के साथ जो आप का कैप्शन का लंबा सा पैराग्राफ है वो आपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करना होता है। इलास्मोब्रैंक्स मैंने आपको पहले बताया था ये कार्टिलेजिनस फिशेस का वो ग्रुप है जिसको शार्क्स बिलोंग करती है, जब हम इलास्मोब्रैंक्स कहेंगे तो वो शार्क्स का ग्रुप है, इसमें यूनिक ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म है, क्या करते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज जितने भी फिशेज हैं मेरीन या सी वाटर एनिमल्स हैं उनको जरूरत नहीं होती यूरिया में कन्वर्ट करने की, जितने भी फिशेज हैं एक्सक्रीट अमोनिया, क्योंकि उनके इतना वाटर होता है कि वो आसानी से अमोनिया को रिमूव कर देते हैं,
फिशेस डू नॉट स्पेंड देयर एनर्जी इन कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू यूरिया, क्योंकि ये एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। यूरिया साइकिल के जरिए लिवर में अमोनिया से यूरिया बनता है, लेकिन ये क्या करते हैं, अच्छा अब अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक है, यूरिया लेस टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी टॉक्सिक होता है। ये क्या करते हैं फिर शार्क्स का ग्रुप, ये सारे यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं सारे टिश्यूज में, और ये जो यूरिया है जो स्टोर हुआ है टिश्यूज में, ये आइसोऑस्मोटिक कर देता है बॉडी को विद द सी वाटर, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स जो है शार्क टिश्यू की वो सेम होती है एज टू द सराउंडिंग वाटर। अच्छा अब इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, अगर ब्लड की कंसंट्रेशन वही हो जो कि सराउंडिंग टिश्यू की है तो फिर ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं। इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो शार्क्स ग्रुप इज ऑस्मो कन्फर्मर, इट कीप्स द सेम क्वांटिटी ऑफ आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स इन देयर बॉडी एज ऑफ देयर एनवायरमेंट, इसलिए इनकी बॉडी में ना वाटर एंटर होता है ना वाटर लूज होता है। एनर्जी इनको चीज के ऊपर नहीं स्पेंड करनी पड़ती कि अपने वाटर को बचाएं, अदरवाइज जो सी वाटर फिशेज हैं या जो मेरीन फिशेज हैं दे आर कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन देयर ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि हर वक्त इनको एक ना एक चैलेंज का सामना है, तो इर्द-गिर्द पानी ज्यादा या इर्द-गिर्द पानी कम है, या तो इर्द-गिर्द आयंस ज्यादा या इर्द-गिर्द आयंस कम है। तो इलास्मोब्रैंक्स ग्रुप जो है उसकी की एडेप्टेशन है, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके उस यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और वो जो यूरिया है उसके खतरनाक इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट करने के लिए बॉडी में एक स्पेशल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है TMAO, आपके ऑस्मो रेगुलेशन के इसी बुक में ऑस्मो रेगुलेशन का चैप्टर है उसमें ये बात बड़ी डिटेल से डिस्क्राइब हुई है। TMAO का नाम भी लिखा हुआ है, ट्राइमिथाइलामीन ऑक्साइड, ये वो मॉलिक्यूल होता है जो कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटरैक्टिंग द इफेक्ट ऑफ यूरिया। यूरिया जो है मेरीन एस्मोब्रैंक्स के अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंट है मेरीन टिलियोस से, यानी बोनी फिशेस से बिल्कुल फर्क है ये कार्टिलेजिनस फिशेस। इनके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, क्यों, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया के हाई लेवल्स को मेंटेन रखते हैं, और यूरिया एक जहर है, इसके जहर का क्या इफेक्ट होता है, ये ब्रेक डाउन करता है, डीनेचर करता है प्रोटीन्स को और एंजाइम्स को। इसका फोड़ या इसका काउंटर एक्ट जो है वो TMAO, TMAO जो है यूरिया ये रिटेन रखते हैं, यूरिया भी प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, बाकी फिशेज में यूरिया नहीं प्रोड्यूस होता, शार्क्स का ग्रुप यूरिया प्रोड्यूस करता है और उसका असर उसको अपनी बॉडी में मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं, और TMAO भी अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करता है ताकि यूरिया के हार्मफुल इफेक्ट बॉडी में ना हो। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो 3.5% ही हो जाती है सराउंडिंग वाटर की होती है, और ये TMAO क्या करती है, स्टेबलाइज करती है प्रोटीन्स को और एक्टिवेट रखती है एंजाइम्स को, और वाटर जो है वो गिल्स के थ्रू एंटर होता रहता है हर वक्त बॉडी में, और किडनीज के जरिए एक्सीट होता रहता है। सॉल्ट्स हैं वो रेक्टल ग्लैंड और किडनी के जरिए रिमूव, रेक्टल और ग्लैंड और वो भी होते हैं। एक और डायग्राम ये देखते हैं, उसमें रेगुलेशन इन शार्क्स और इलास्मोब्रैंक्स, इनकी बॉडी में वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के साथ एंटर हो रहा है और सॉल्ट के एंटर हो रहा है फूड वगैरह के साथ, वाटर एंड सॉल्ट विद फूड, वाटर की रीअब्सॉर्ब, वाटर जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं गिल्स के जरिए और स्किन के जरिए, गिल्स ब्लॉक द लॉस ऑफ यूरिया, यूरिया अपनी बॉडी के अंदर ही रखेगा, और ये इंजेस्ट कर सकते हैं सॉल्ट विद द फूड, और रिमूवल क्या होता है, सॉल्ट एक्सीट होता है लार्ज क्वांटिटी से विद द हेल्प ऑफ रेक्टल ग्लैंड, और इसका क्लोएका होता है जो कि इसकी रेक्टल ग्लैंड की सेक्रेशन को बाहर निकालता है। किडनीज है, किडनीज इस तरह बॉडी में मिड लाइन में मौजूद होती है, एब्डोमिनल कैविटी और बॉडी कैविटी, और इसमें जो है सॉल्ट एक्सीट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी फंक्शन यूरिन के साथ, और यूरिया जो है वो नहीं एक्सीट आउट करता किडनी। ये 35 नहीं है, 3.5% एक्चुअली पॉइंट मिसिंग है। सी वाटर जो है इसके अंदर आइस की कंसंट्रेशन 3.5% है, और ब्लड के अंदर भी 3.5% है या इवन हायर होता है, और वो किसके जरिए होता है विद द हेल्प ऑफ यूरिया TMAO। ठीक है जी, सो इलास्मोब्रैंक्स अपनी बॉडी के अंदर यूरिया और TMAO का लेवल बढ़ाते हैं, और इसके जरिए वो ऑस्मो रेगुलेटर की बजाय ऑस्मो कंफर्मर बन जाते हैं, और एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी की एनर्जी हर वक्त वाटर लॉस को बचाने में और सॉल्ट्स को रिमूव करने में स्पेंड नहीं करनी पड़ती, हर वक्त एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू गिल्स और किडनीज बहुत ज्यादा नहीं इसको करनी पड़ती। ठीक है जी, तो ये जो है ना सिर्फ रेक्टल ग्लैंड्स को यूज करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस सोडियम क्लोराइड,
और बाकी दे डू नॉट नीड टू यूज सॉल्ट ग्लैंड इन द गिल्स। अच्छा, एक और ग्रुप ऑफ फिशेज होता है जो कहलाता है डायड्रॉमस। डायड्रॉमस फिशेज जो है वो हैं जो कि माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर से मरीन वाटर। सैलमन है, लैम्प्रेज हैं वगैरह, ये जो हैं इनके अंडे ये जाके देती हैं फ्रेश वाटर में, और जब इनके छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं उस अंडों में से, तो फिर वो उन नहरों में से स्प्रिंग्स में से स्विम करते हुए दरियाओं में आते हैं और बिल आखिर समुंदर में चले जाते हैं। फिर जब उन्होंने अंडे देने होते हैं, स्पॉनिंग जब करनी होती है, तो फिर ये स्विम बैक टू फ्रेश वाटर। ये जो है ना दो दफा मूवमेंट है। अगर आप समझें, अभी हमने ये बात की डायग्राम को की तरफ फिराएं कि फ्रेश वाटर का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी बॉडी के अडेप्टेशन बिल्कुल डिफरेंट है। मरीन फिशेस का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी बॉडी के अडेप्टेशन बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन डायड्रॉमस फिशेस वो हैं जो कि पैदा होती हैं फ्रेश वाटर में, फिर बड़ी होती है तो स्विम करती है मरीन वाटर की तरफ, फिर स्पॉनिंग के टाइम पे दोबारा जाती हैं फ्रेश वाटर की तरफ। एक दफा फ्रेश वाटर से मरीन, फिर एक दफा मरीन से फ्रेश वाटर। सारे चेंज के लिए इनकी बॉडी में बहुत सारी अडेप्टेशन रिक्वायर्ड है। वो अडेप्टेशन क्या हैं कि जब गंदे हैच आउट फ्रॉम द एग्स इन द फ्रेश वाटर, इनकी बॉडी सारी इस लिहाज से अडेप्ट होती है, और जब इनके गिल के अंदर सॉल्ट ग्लैंड बन जाते हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो एक्स्ट्रा आयंस को अपने गिल से बाहर निकाल सकें, वो स्विम करते हैं समुद्र में पहुंचती हैं। अगर ये डेवलप ना हो तो ये अगर समुद्र में जाए तो ही मर जाएंगे। और ये इस मैकेनिज्म से इस मैकेनिज्म पे आ जाते हैं डायड्रॉमस फिशेस। और जब इन्होंने स्पॉनिंग करनी होती तो दे स्विम बैक टू फ्रेश वाटर, और इनकी बॉडी जैसे सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है तो वो दोबारा इस एडेप्टेशन पे आ जाती है। सो इस लिहाज से डायड्रॉमस फिशेस, जिसकी एग्जाम्पल चले सालमन, आप याद रखें सालमन फिश जो है वो में कैपेबिलिटी है और ये जरा अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस ला सकती है। यही सारी बात यहाँ इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, फिशेस जो हैं इनको नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। 90% ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इनका गिल सर्फेसिस के जरिए रिमूव होता है, और पहले हमने डिस्कस किया लास्ट में ब्रैंक्स में कि अमोनिया के फॉर्म में होता है। अमोनिया बहुत टॉक्सिक है लेकिन एनफ वाटर इनके इर्द गिर्द अवेलेबल होता है जिसके जरिए ये अमोनिया को रिमूव कर देते हैं। 10% जो नाइट्रोजनस वेस्ट रह जाते हैं उसको इनकी बॉडी के कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, और क्रेटिन क्रेटिनिन, ये जो तीन प्रोडक्ट्स हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म्स हैं। अमोनिया से पहले यूरिया बनता है, फिर यूरिक एसिड बनता है, फिर क्रेटिन, और क्रेटिनिन भी बन सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये किडनीज के जरिए रिमूव होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।